तीजे दिन खलाई रखदा साला मिस्त्री भी सोच गया थोड़ा थोड़ा करके खर्चा लख दे पहुंच गया जदो लैके लंघदा पिंड चो इक कन्या दी सड़दी आ ए खर्चा उदो ही हुंदा सदा जदो गरारी अड़दी आ। बोल्द कबूतर ने कई जोड़िया पैंठ पैंठ इंच रखिया ने घोड़िया कुत्ते करते शिकार बोटी बोटी खल दे। तो भाई क्या हाल है भाई सबके। तो भाई काफी टाइम से कोई वीडियो वगैरह नहीं आई है, मतलब आई तो इसलिए नहीं मैंने वीडियो बनाई नहीं। तो आ गया क्या? ठीक है, तो ये आज बात करेंगे अपनी प्लेटिना के ऊपर। उस पर पिछले साल जो खर्चा किया था ना, उस पर मॉडिफिकेशन पे 8-9 हज़ार रुपये लगभग खर्च हो गए थे। तो आज उसके बारे में बात करेंगे, मतलब क्या क्या किया, मतलब क्या क्या लगवाया, क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई थी उसमें, उस सबके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए कोई मालूम को देख के कमेंट मत करना। चलो चलते हैं। तो भाई डोडो सो रहा है, देखो डोडो चलो भाई चलते हैं नीचे भी। चाबी लेके आनी पड़ेगी ऊपर से। चाबी ठीक है, चाबी ले आए भाई, चलते हैं पहले बाइक को साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो भाई ये है अपनी वाली बाइक। ठीक है, इसमें हमने पिछले साल कम से कम 7-8 हज़ार रुपये खर्च किए थे लगभग कुछ। ठीक है, जैसे कि ये टायर हमने डलवाया था 2000 कुछ का, अब तो यार ये घिस चुका है, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी में आ चुका है। ठीक है, और ये हटवाया था यहाँ से यहाँ तक, ये मलघाट हटवाया था यहाँ से यहाँ तक, ये अलग अलग है ना, यहाँ तक अलग है फिर वहाँ से अलग है, तो ये हटवाया था। ठीक है, मतलब जो था ना ओरिजिनल वाला उसको तो हमने निकाल के रख दिया था, ये लोकल वाला है इसको फिर कटवा दिया था नीचे से, जो ओरिजिनल वाला है उसको हमने हटा के रख दिया था। ठीक है, तो ये लोकल वाला था इसको हमने कटवा दिया था। ठीक, ये जाल भी हमने हटवा दिया था, ये हमने बात को लगवाया था। ठीक है, और हाँ, और ये हॉर्न, इनके दो हॉर्नों की प्राइस जो थी ना वो थी 2000 कुछ, तो हमने चार लगवाए थे। ठीक है, चार लगवाए थे हमने, चारों साथ ही में लगवाए थे, तो इनके ये में पड़े थे 2000 का जोड़ा पड़ा था, वो ऐसे कि हमने मतलब ये हॉर्न दो में 1800 के पड़ गए थे, 1800 का एक जोड़ा पड़ गया था। ठीक है, फिर ये भी बनवाई थी हमने, ये कुछ बनी थी हमारी 300 रुपये की, ये पतली देख रहे हो भैया, ये कुछ 300 रुपये की बनी थी, ये चार हैं, एक ये और दो उधर है। ठीक है, और फिर इसकी रीले भी आई थी ये रही, और बैटरी वगैरह भी चेंज हुई थी, क्योंकि जो बैटरी इसके अंदर थी वो हॉर्न को मतलब उठा नहीं पा रही थी सही से नहीं बज रहे थे। ठीक है, तो वो भी चेंज हुई थी। ठीक, वैसे अब भी अगर चारों एक साथ मैं बजाता हूँ ना, तब भी ऐसा लगता है जैसे दो ही बज रहे हो, जबकि बजते चारों में, क्योंकि शायद रिले की वजह से या बैटरी की वजह से, वो नहीं पता, लेकिन दो ऐसे ही बजते हैं, जैसे कि चार बजते हैं लेकिन लगता ऐसा है कि दो बज रहे हैं जबकि बजते चार हैं। तो एक बार मैंने उनका एक हॉर्न बंद किया था ना, तीन की साउंड तो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जब मैंने चारों चालू किए साउंड कम हो गई। अगर आप दो हो जाओगे तो उनकी साउंड ज़्यादा लगेगी, पता नहीं शायद बैटरी की दिक्कत है या रिले की दिक्कत है, पता नहीं, लेकिन फिलहाल आपके लिए चारों बज रहे हैं। ठीक है, ये कोई और कुछ चेंज नहीं करवाया था, और हाँ इंजन में काम वगैरह हुआ था, उसमें कुछ पैसे वगैरह लगे थे,
बस और कुछ नहीं हुआ। हाँ भैया और कुछ नहीं हुआ था, नहीं कुछ हुआ था। ठीक है, अब फिलहाल के लिए हम शायद ये दो रूट सेल कर सकते हैं आगे चल के। यार साउंड तो उतनी है ना, साउंड तो दो हॉर्नों की भी उतनी आ रही है, चार की भी उतनी आ रही है, तो आगे चल के दो हॉर्नों को सेल कर सकते हैं। फिलहाल अभी नहीं करेंगे, अभी मून बन के आगे तो कर देंगे वरना नहीं करेंगे। ठीक है तो भाई सबसे गंदा सीन ये ऐसा, अगर आप पीछे की पूंछ कटवाते हो ना, जब आप इसको बारिश में चलाओगे, बारिश में या पानी में चलाओगे, तो ये सीधा छिट्टे जो है ना उसके ऊपर आके लगेंगे सीधा, पीछे को पानी फेंकती है ना फिर, तो वो टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह जो पहन रखी है ना उस पर आके लगता है। तो ऐसी कंडीशन काफ़ी मतलब ख़राब हो रखी है, काफ़ी टाइम से धोई वोई भी नहीं, खड़ी है मतलब, कभी कभी निकालता हूँ वरना बहुत कम ही चलाता हूँ उसको, तो खड़ी रहती है तो धोई भी नहीं। ये देखो वो लैमिनेशन वगैरह भी फट चुकी है, सीट कवर भी फट चुका है। इसका लॉक भी चेंज करवाया था ये। और सब बाकी ओके है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ जैसे आप ये टायर डलवाओगे ना, तो इससे ना एवरेज भी कम हो जाएगा हल्का सा, टायर डालने के बाद एवरेज हल्का सा कम हो जाएगा। भाई और सब ओके है तो भाई ये इस बाइक का सीन है।